सो उम्मीद हो है कि आप सब लोग हेडी ऑफिस से होंगे। तो आज का लेक्चर है मेरा आप सब लोगों के कमेंट्स के ऊपर, जब आप सब लोगों के जो मुझे पर्सनल टैक्सेस आए थे उनके ऊपर कि सर आपने हमें पहली वेबसाइट तो सिखा दी कि फ्रीलांसर ऐसे ऐसे करते हैं, हम ऐसे ऐसे अकाउंट बनाते हैं, ये पोर्टफोलियो पिट भी कर लिया, ऑर्डर का पता चल गया कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये तो बताएं हम काम काम क्या करें। बेटा देखो आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ 2022 की कम से कम टॉप 30 स्किल्स। टॉप 30 स्किल्स क्या कौन कौन सी हैं ये क्या है? देखो वीडियो के साथ आपने लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? आई मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए अगर आपने करनी है ना, अगर आपको स्किल नहीं आ रहा तो कहते हैं ना कि बिना किसी स्किल के आप कोई काम नहीं कर सकते। इंसान हमेशा अनपढ़ हो लेकिन उसके पास हुनर होना चाहिए, तो ये स्किल्स ये हुनर ही है, आपके पास कोई ना कोई हुनर तो होना चाहिए, ठीक है? तो देखो मेरा क्या थॉट्स है, मेरे क्या मन था मैं पहले आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि बेटा आपने किस तरह काम करना है, ठीक है? कि आपको काम किस तरह आना चाहिए, किस तरह काम करना, किस तरह यार बेसिकली काम करना कहाँ पे है, क्या काम है, क्या कैसे करना है, ठीक है? देखो हम क्या होता है, मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार स्टडी करके हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री में है भी है कि नहीं है। काफ़ी MA MSc स्टूडेंट्स जो बाद में रिक्शे चला रहे हैं, फिर शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई उस तरह हो, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पहले स्टडी से पहले बताओ ना कि यार हमने ये काम आगे जाके करना था, उसके हिसाब से स्टडी करें। अब यहाँ पे क्या है, आपको इतना पता चल रहा है ना कि ये काम इस तरह होता है, ठीक है? इस तरह बंदे हमें मतलब नोटिफिकेशन शो होगा, इस तरह हम उनके चैट बॉक्स में लेके जाएंगे, यहाँ से बिट करेंगे, पहले 6 बिट्स फ्री होंगी हमारे पास, देन हम बिट्स को परचेज करेंगे, तो हम क्या क्या हमारे पास क्या आएगा, बेनिफिट होगा, ठीक हो गया। चलो इसकी जो समझ आ गई कि ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे होता है, चलो जी ओके। अब मुझे ये बताओ कि भैया अब यहाँ पे मैं कौन कौन से स्किल ले सकता हूँ, ठीक हो गया? तो ये मैं नई वेबसाइट अब नई वेबसाइट या फाइवर वो शुरू करने से पहले आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह आप कौन कौन से स्किल्स आप सीख सकते हो जो बेसिक में भी आते हैं और जो आप आसानी से अपने आसपास या इंटरनेट से भी आप सीख सकते हो, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपको मैं भी ये स्किल्स सिखाना शुरू कर दूँ। जैसे सबसे पहले आजकल हर जगह डोल मचा हुआ है अमेजोन अमेजोन अमेजोन, बेटा फाइवर पे भी है अमेजोन, फ्रीलांसर पे भी है अमेजोन। देखो अमेजोन में एक अना कोर्स है VA, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट। वो क्या होता है, वही होता है कि बेटा देखो उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने साथ ना फैक्ट्री के मैनेजर रखे होते हैं जो उनके अकाउंट्स को मुझसे पुराने वाले मुंशी होते थे जो उनके अकाउंट्स के सारे हैंडल करते थे, तो बस वो ही है, बस नाम चेंज कर दिया और डिजिटल में आ गया, बस है तो मुंशी हो। देखो वर्चुअल है क्या, मुंशी वाला काम ही है, आपने उनके अकाउंट्स को हैंडल करना है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कहाँ सेल हो रही है, कहाँ से ऑर्डर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारा क्या है वर्चुअल सिस्टम जो आपके सामने स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। इसमें 13 वाला ऑप्शन दे सकते हो कौन सा है, वर्चुअल सिस्टम का। और आप सेम ना देखो क्या है डाटा एनालिसिस, ये भी क्या होता है डाटा को एनालाइज करना, या फर्ज करो कि आप स्टैट्स के स्टूडेंट्स हो, क्या करोगे, आपको डाटा एनालाइज करना आता है कि किस तरह एनालाइज करते हैं, आप एक कम स्टूडेंट होगा पता है कि इस कैसे एनालाइज करते हैं, आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट डेवलपमेंट नंबर 5 पे है, नंबर 6 पे है, वेबसाइट डिज़ाइन नंबर 5 पे है, उसके अलावा ये एक्सेल मैनेजमेंट है, आपको MS Excel चलाना आता है तो आप किसी के एक्सेल के अकाउंट को हैंडल कर सकते हो, फोटोग्राफी अगर पिक्चर से खींचते हो तो वो भी आप अपने ये भी स्किल्स आप फ्रीलांसर से भेज सकते हो कि मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ, मुझसे लोग फोटोज़ खिंचवाया करें या खिंचवाई फोटोज़ को अपसेट करना चाहते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ, ठीक है? जो यहाँ पे 15वें नंबर पे है उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग है, वही VA आ गया, वर्चुअल असिस्टेंट आ गया, फिर एडिटिंग कर सकते हो आप, उसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आपको इंटरनेट से तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको इंटरनेट से वहाँ इतनी आसानी से मिल जाएगा। और मेरा तो माइंड सेट भी यही है कि इस कोर्स के बाद अगला कोर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग का ही करवाऊँ, कि आपको इतना तो पता होगा भाई कि आप किस तरह घर बैठे बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ स्किल्स आपके सारे मैं शो करवा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कि इनमें से कोई भी एक स्किल आप सीख के CEO हो गया, कोई भी एक स्किल आप सीख के आप फ्रीलांसर को दो और फिर उस वेबसाइट पे काम करो, ऐसे बिना स्किल के जाओगे तो फिर वही है कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ,
मुझे ऑर्डर कोई नहीं आ रहा सर, मैंने 25 बिट्स लगा दी हैं सर, मुझे एक का भी प्रपोजल का जवाब नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया, तेरे पास स्किल ही नहीं है? अगर आया तो एक दफ़ा गलती किया, उसने तेरा फीडबैक तेरे रिव्यू ही गलत डाल दिए जो तू रिमूव भी नहीं कर सकता, तो बाद में फिर क्या होगा? तेरी सारी मेहनत जाया। तो शांति का क्या है बेटा, पहले स्किल सीखो, स्किल को एनहेंस करो, एडवांस लेवल पे जाओ, देन आपका पता है आपने काम कहाँ करना है। अकाउंट आपने बनाया हुआ है, आप उस रेस में घुस गए हुए हो, ठीक हो गया, आपको उस रेस से कोई निकाल नहीं सकता। और अब रेस में अगर लंगड़ा घोड़ा भी हो तो भी जीत जाता है, ठीक है? तो आप उस रेस में घुस गए हो, अब रेस में घुसने के बाद आपने क्या करना है, बस रेस में भाग रहे हैं। भागने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए। रोज का यूट्यूब पे सर्च करो, लेक्चर्स को सुनो, यूट्यूब से सुन सुन के आप कोई ना कोई एक स्किल सीख लो। बेसिक स्किल एमएस वर्ड की आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की आती है, कोरल ड्रॉस की आती है, वीडियो एडिटिंग की आती है, डिजिटल मार्केटिंग की आती है, 5-6 तो मैंने आपको बता दी है, विजुअल असिस्टेंस की आती है, तो बिल्कुल बेसिक में यही सीख लो। यही सीख के अपनी में से किसी एक सीखो, एक को अपना कन्फर्म शॉर्ट करो, मैंने सीखनी यही है। ये नहीं कि मैंने आज ये कल दोस्त ने वो शुरू किया, मैंने वो शुरू कर लिया, नहीं। फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप इसी एक स्किल पे आकर टिको, टेक के उसको अच्छी तरह, उसको अपना टाइम दो, देन अपना टाइम देने के बाद शुरू कर दो, और यकीन मानो कि आप विद इन डेज के अंदर आप ग्रो अप करोगे, और आप ना के बाहर आप अपनी कंट्रीज में भी ग्रो अप करोगे, ठीक है? लेकिन इन दैट रीजन के पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। ओके बेटा, शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और लेक्चर के साथ।